कान्हा जी के लिए बांसुरी बनाने के लिए मैंने एक ये स्टिक ली है, ये माचिस की स्टिक ली है। आप चाहें तो कोई भी जो नई झाड़ू वगैरह होती है उसकी भी आप स्टिक ले सकते हैं। और माचिस के लिए तो इसका जो जलाने वाला जो हिस्सा होता है रोगन वाला, वो आप निकाल दें। और एक मैंने ये इस तरह की जिससे हम ज्वेलरी बनाते हैं, ये बारीक बिट्स वाली चैन है, और ये थोड़ा सा जो मोटे बिट्स होते हैं उस तरह की चैन आती है। मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगी दोनों तरह की चैन। और एक हमने ये इस तरह का स्टोन लिया है, ये स्टोन भी आपको किसी भी जनरल स्टोर वगैरह होते हैं उन पे आसानी से मिल जाएंगे, जो आपको डेकोरेशन वगैरह के जो सामान आप लेते हैं उससे मिल जाएंगे आपको। और एक मैंने इस तरह का कार्डबोर्ड लिया है, ज़्यादा मोटा कार्डबोर्ड नहीं है, पेपर है, इसकी मैंने इस तरह की कटिंग की है। ये मैंने सबसे पहले इस पर पीकॉक ड्रॉ कर लिया और इसकी मैंने ये इस तरह की कटिंग कर ली है यहाँ से। और एक हमने ये सीजर ली है, और एक हम ये जो ज्वेलरी चिपकाने के लिए जो ये फेविकोल आती है वो ली है, ये फैब्रिक ग्लू है। और एक हमने ये जो सिंपल जो सिलाई वाला जो धागा रहता है उसको हमने चार जो धागे हैं उनको मिक्स कर कर इस तरह से ये पूरी ली है, इस तरह से पूरा एक थ्रेड हमने तैयार कर लिया है चार मिलाकर। ये पतले वाला धागा है जो हम सिलाई मशीन के लिए यूज़ करते हैं सिलाई लगाने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जो स्टिक ली थी ये माचिस की स्टिक ले रखी है, और इस पर हम ये जो हमने थ्रेड तैयार किया था ये फोर्थ थ्रेड मैंने मिलाकर एक इस तरह का मोटा थ्रेड बना लिया है, और इसको मैं इस पर पूरी लपेट दूंगी। लपेटने का तरीका वही है जो हमने पहले भी आपको बता रखा है, ये हम इस तरह से इसके चारों तरफ घुमाते हुए पूरी लंबाई में इसको लपेट लेंगे। शुरू में हम फेविकोल का यूज़ करेंगे ताकि अच्छी तरह से चिपक जाएगी, और लास्ट में हम इसको पूरा जब कर लेंगे तो लास्ट में फिर फेविकोल से इसको थ्रेड को चिपका देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इस धागे को पूरी स्टिक पर इस तरह से लपेट लिया है, और बीच में हमने फेविकोल का यूज़ किया था ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। एक तो स्टार्टिंग में लगा लीजिए और एक आप जब इसको पूरा लपेट लेते हो लास्ट पे लगा लीजिए ताकि ये पूरी फिनिशिंग के साथ इस तरह से चिपक जाएगी। इसे हम थोड़ी देर के लिए रखना है ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए। और इधर हमने ये जो स्टोन लिया था वो हमने एक ड्राइंग बनाई थी पिकॉक की, उसके ऊपर इसको साइड में चिपका दिया है इस तरह से। इसको थोड़ी देर चिपका के रखना पड़ेगा ताकि ये फिक्स हो जाए अच्छी तरह से। नीचे की तरफ चिपकाना है ताकि जो ये हमारी हम बांसुरी तैयार करेंगे वो सुंदर लगे। अब इसको हम इसके साथ पेस्ट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको पीछे से इस तरह से स्टोन को चिपका दिया है। ये हमने पिको की कटिंग काटी थी जो वो, और यहाँ हमने स्टोन को इतना स्पेस लेना है, हमें थोड़ा सा ये स्टोन चिपकाना है और बाकी हमारा ये दिखना चाहिए। और ये हमने यहाँ पे स्टिक पे चिपका दी है, तो ये हम अब सूखने के लिए थोड़ी देर रखेंगे और फिर आपको फ्रंट से बताऊंगी मैं किस तरह से ये दिखाई देगा। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से दिखाई देगी। हमने जो ये चिपका के इसको स्टोन को चिपका के रखा हुआ जो, और ये हमने ये जो रेड थ्रेड है इसको हमने इस तरह से लपेट दिया है। ये सिंगल ही लिया है हमने और थोड़ा थोड़ा स्पेस देते हुए इसको ये लपेट दिया है हमने, और पूरी जो लेंथ है उसमें हमें थोड़ा थोड़ा स्पेस देते हुए इसको लपेटना है। अब हम इसमें इस तरह की जो चैन है उसको काट लेंगे और काट कर इनको लगा लेंगे। ये हमने इस तरह से ये पीसेस काट लिए हैं, और काटने के बाद ये कैसे लगाने मैं आपको बता रही हूँ। ये हम पीछे इसके इस तरह की जो बॉल चेन है वो चिप
चिपकेगी नहीं तो हम इसको पेपर की हेल्प से यहाँ पर चिपकाएंगे, जो ये हमने ये पीसेस काटे हैं, और इसी तरह से इसको भी हम ये झूले की शेप में दोनों तरफ इसके लगा देंगे। तो चलिए मैं इसको लगा कर बता रही हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इस तरह से फेविकोल लगा लिया और ये हम झूला स्टाइल में इसको दोनों तरफ से चिपका देंगे। और इसी तरह से हमने ये जो बॉल चैन है वो भी, पहले हमने पेपर लगाया, पेपर के ऊपर इसको बॉल चैन को लगाएंगे जो टुकड़े हमने काटे हैं वो, और फिर हम इसके ऊपर एक और पेपर लगाएंगे, जिससे क्या ये काफ़ी मजबूत हो जाएगी हमारी चीज़। आप इन पर भी छोटे छोटे पेपर लगा देंगे ताकि ये भी हमारे अच्छी तरह से मजबूती से चिपक जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पीछे से पेपर से इसको चिपका दिया है अच्छी तरह से। अब ये थोड़ी सी फिनिशिंग आप देना चाहे तो ये जैसे पेपर दिखाई दे रहा है तो आप इसको सूखने के बाद थोड़ा सा काट लें साइड में से, और ये जो पिकोक है इसकी भी आप फिनिशिंग देना चाहे तो साइडों में से थोड़ा सा कट कर लें, नहीं तो ये ऐसे ही रहने दें। देखिए हमारी ये बांसुरी सूखने के लिए रेडी हो गई है।